निगम चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव से पहले आखिरी रविवार के दिन तमाम पार्टी के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ रोड पर वोट की अपील के लिए उतरे, जहां सभी पार्टी के लोगों ने अपना रोड शो किया। लाखों की संख्या में आज रोड पर नजर आएंगे। जगह जगह जाम की भी समस्या देखने को मिली। बख्तावरपुर वार्ड नंबर 5 राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की प्रत्याशी विभा चौहान का समर्थन देने के लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक भाई शेर सिंह राणा बख्तावरपुर वार्ड नंबर 5 में पहुंचे, जहां उन्होंने गाड़ियों व बाइकों के काफिले के साथ कई गांव का दौरा किया, लोगों से वोट की अपील की। शेर राणा ने बताया कि जिस तरह आपके क्षेत्र में पिछले निगम पार्षद ने काम नहीं किया, साथ ही यहां के विधायक उन्होंने भी क्षेत्र में ठीक से काम नहीं किया, जबकि लोगों ने दोनों को भारी बहुमत से वोट देकर जिताया था, लेकिन वह अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन शेर सिंह राणा का कहना है कि हमारी प्रत्याशी क्षेत्र में तमाम सभी पार्टी की प्रत्याशी से ज्यादा पढ़ी लिखी है और यह क्षेत्र में समाज सेवी भी है। बच्चों को कई तरह के कोर्स करवाती है, जिससे वो अपने भविष्य में अपना रोजगार कर पाए। महिलाएं अपने घर में रहकर भी कुछ पैसे कमा पाए। क्षेत्र में विभा चौहान से काफी लोग जुड़े हुए भी है। अक्सर लोग अपनी समस्या को लेकर विभा चौहान से बात करते हैं। विभा चौहान ने भी अपने क्षेत्र में तमाम समस्याओं का समाधान बिना सरकार में बिना किसी पद के करवाए हैं। कहीं ना कहीं लोगों का भी विश्वास यही है कि जब क्षेत्र में इस तरह की प्रत्याशी खड़ी है तो उसको हम अपना कीमती वोट देकर जिताएंगे, ताकि जो हमारी मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सके। देखिए जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, आज बहन विभा चौहान का रोड शो है और आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हैं। सबसे खास बात यह है कि ये सारे इसी क्षेत्र के वोटर हैं, तो आज जिस संख्या में यहाँ मौजूद हैं तो इससे स्पष्ट संदेश है कि यहाँ पर जीत निश्चित है। बस अब ये तय होना है कि भाई कितने मार्जिन से बहन विभा चौहान वार्ड नंबर 5 को जीतने जा रही है। राष्ट्रवादी जनता पार्टी का दिल्ली में आज कहाँ कहाँ रुख रहेगा सर? यहाँ देखिए, आज जो आज वार्ड नंबर 5 में तो है ही, कल जो है 55 नंबर वार्ड में था, 155 में मेहरौली में, और कल जो है ये 128 में रहेगा। तो रोज कहीं ना कहीं जो है रोड शो का कार्यक्रम राजपा के हो रहे हैं। देखिए, एमसीडी का जो चुनाव होता है वो लोगों की जो एक रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं उनको, समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। तो चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएँ जो यहाँ पर हैं उसको जो है हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी जीत के जाएंगे उनको दूर करेंगे। सदन के अंदर, एमसीडी का जो सदन है उसके अंदर लोगों की आवाज़ बन के क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगे। बहन विभा चौहान क्योंकि सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत समय से जो है समाज के साथ जुड़ के शिक्षा के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो जब उनको इस कुर्सी पे बैठने का मौका यहाँ की जनता देगी तो निश्चित रूप से वो अपनी सेवाओं को और अच्छे से ज़्यादा करेंगी।